हेलो गाइस, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू चैनल मैथ्स विद डी के। तो हम लोग करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं और इसमें रिवीजन करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी ज्योग्राफिकल पोर्शन है, हिस्टोरिकल पोर्शन है, जो भी चीज़ें स्टैटिक जी के हैं, हर चीज़ को यहाँ पर कवर करते हुए चला जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा कुछ बात किए बगैर हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाँ सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि क्वाला जानवर जो विलुप्त होने के कगार पर है, कहाँ से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन चार ऑप्शन है, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राज़ील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम इस जानवर के बारे में देख लेते हैं। तो पहले तो इस जानवर को देख लेते हैं कि जानवर का फ़ोटो क्या है, कैसा ये दिख रहा था। ये क्वाला एनिमल है। क्वाला यानी इसे एक तरह से भालू के नाम से भी जाना जाता है और ये पेड़ों पर रहता है, ठीक है। ये कहाँ पर निवास करते हैं? ये पेड़ों पर रहते हैं और यूकेलिप्टस की पत्तियों को खाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ष तक चली एक संसदीय जांच प्रक्रिया में यह बताया गया कि यदि ऑस्ट्रेलियाई सरकार कोआला के निवास स्थान की रक्षा करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप नहीं करती तो यहाँ के न्यू साउथ वेल्स राज्य से वर्ष 2050 तक कोआला की प्रजाति विलुप्त हो सकती है। तो इसमें कोयला नहीं है, सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोआला है, ठीक है। और सका सही लिखा है कि नहीं लिखाया है इसके पहले देख लेते हैं। हाँ देखिए, क्वाला, ये क्वाला है, ठीक है। तो क्वाला एक प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई जीव है जिसे आमतौर पर भालू कहा जाता है। यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में वृक्षों पर निवास करने वाला मार्सुपियल। मार्सुपियल क्या होता है? तो मार्सुपियल का मतलब होता है, यहाँ जो मार्सुपियल दिख रहा होगा इसका मतलब होता है कि ऐसे जानवर जो जिनके मतलब जो अपने बच्चे को रखने के लिए उनके जैसे कंगारू में क्या होता है, एक थैली होता है जिसमें वो अपने बच्चे को रख लेते हैं जब तक वो मैच्योर नहीं हुए होते हैं। तो ऐसे जानवर को मार्सुपियल कहा जाता है और इसे रेड डेटा बुक के अंतर्गत सुवेद प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? तो एक संस्था है IUCN, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, नेचुरल रिसोर्सेस इसमें और ऐड कर दिया गया है बाद में। तो इसमें अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि IUCN के बारे में देख लेते हैं, बोल देते हैं वैसे ही जल्दी जल्दी आप लोग सुन लीजिएगा क्योंकि रिवीजन वाला इसमें बस इसको ऐसे बार बार सुनते रहेंगे तो याद होता चला जाएगा। तो इसका ये फाउंडेड यानी कब इसका स्थापना कब किया गया इसे कब, तो 5 अक्टूबर 1948 में इसे बनाया गया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड। हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर ब्रूनो ऑब्डे। तो इसमें बस आप डॉक्टर ब्रूनो याद कर सकते हैं ताकि आपको आसानी रहेगी। चलिए थोड़ा सा और हम देखते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या बता सकते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम देख लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जितनी चीज़ें हैं यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया, पहले तो देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, एक तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की जब हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ये ऑस्ट्रेलिया वाला जो पार्ट है ये आएगा और ये न्यू पापुआ गिनिया और ये पापुआ गिनिया, इधर ये पापुआ गिनिया है और ये न्यू पापुआ गिनिया है, ठीक है। बीच में डिवाइड हुआ है तो ये इसका वेस्ट वाला पार्ट क्या है, पापुआ है, और इसका ईस्ट वाला है, यानी ये जो डिवीज़न है, जो लाइन खींची गई है इसके, तो ये सब मिलाकर किस में आता है, ये होता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है जो कि यहाँ पर रेडेड दिखाया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा। कैनबेरा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कैनबेरा, ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, ओके। और इसमें सबसे बड़ी सिटी जो है, लार्जेस्ट सिटी है, सिडनी है। सिडनी को भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर छोटे छोटे पिक्चर आप देखते चलिए। सिडनी है लार्जेस्ट सिटी और ज़्यादा कुछ इसमें हमें नहीं देखना है, ठीक है। बस इधर और उसको से और आगे देखते हैं, चलिए थोड़ा सा इधर मैप में देखते हैं, आइए मैप में थोड़ा समझाते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ये डिवीज़न कैसे कैसे है, तो ये क्यूनलैंड है, ठीक,
क्वीनलैंड, ये वाला जो पार्ट है ये क्वीनलैंड है। क्वीनलैंड के जस्ट नीचे क्या है, न्यू साउथ वेल्स। जस्ट नीचे क्या है, न्यू साउथ वेल्स, और न्यू साउथ वेल्स के नीचे क्या है, विक्टोरिया। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, जस्ट एक मिनट, गले में खराश आ गई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो दिख रहा है न्यू, ये वाला जो ग्रीन, थोड़ा ग्रीन पोर्शन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इन सभी क्षेत्रों में क्या है, क्वाला जो है वो पाए जाते हैं, यानी वो रहते हैं, वे इनका हैबिटेट है, यानी यहाँ पर वो निवास करते हैं, ठीक है। तो ये न्यू साउथ वेल्स से 2050 तक गायब होने की बात है, ये न्यू साउथ वेल्स जो दिख रहा है यहाँ से 2050 तक गायब होने की उम्मीद है, ठीक है। और उसके बाद से थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। देखिए ये एक है तस्मान है, ठीक। तो ये विक्टोरिया और तस्मान के बीच में एक पतली सी सकरी यहाँ पर रास्ता ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। तो ये जो ये रास्ता है, यानी इसे स्ट्रेट कहते हैं, दो लैंड के बीच, दो जमीन के बीच से जो रास्ता गया है उसे या तो स्ट्रेट कहेंगे या तो चैनल कहेंगे, यानी कैनाल कहेंगे, ठीक है। तो ये इसको देखते हैं ये है क्या, तो ये स्ट्रेट कौन सा स्ट्रेट है, तो बास स्ट्रेस है। इसको हम कैसे नाम से जानते हैं, बास स्ट्रेस। थोड़ा सा हम इसको दिखा भी देते हैं, बास स्ट्रेट देखिए, तो ये है बास स्ट्रेस, ठीक है। और उसके बाद से इसके बगल में, तस्मानिया के बगल में इधर और इधर देखते हैं, तो यहाँ पर है न्यूजीलैंड, ठीक है। तस्मानिया और न्यूजीलैंड के बीच में ये तस्मान सागर है, तस्मान सी, यानी तस्मान सागर ये वाला है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के बगल में यहाँ पर इसी साइड में क्या है, ये क्या है, कोरल है, ठीक है। ये कोरल है और ये कोरल सी है, तो कोरल के पहले जो है कोरल सी, ठीक है। तो और इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ बड़े बड़े डिजर्ट हैं उनके बारे में देख लेते हैं, और इसमें कुछ बताने वाला है थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये न्यू पापुआ गिनिया है, इनके बीच में भी तो ये रास्ता है, तो इसका भी तो कोई ना कोई नाम होगा, तो ये भी कोई ना कोई स्टेट होगा, तो देख लेते हैं ये कौन सा स्टेट है। तो ये टॉरेस क्या है, ये टॉरेस स्ट्रेट है, ठीक है, टॉरेस स्ट्रेट। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि टॉरेस स्ट्रेट जो है वो किसके किसके बीच में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यू पापुआ गिनिया। टॉरेस स्ट्रेट अगर पूछे क्वेश्चन में तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यू पापुआ गिनिया, यानी पापुआ न्यू गिनिया, और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया में भी अंदर वो कर दे, तो ऑस्ट्रेलिया का ये कौन सा पार्ट है, तो क्वीनलैंड पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का ये क्वीनलैंड पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में, ठीक है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू पापुआ गिनिया इसी में आंसर आ जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर इसका भी नाम दे दे, इस पूछ ले इसका राज्य से पूछ ले, तो ये है क्वीनलैंड, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसमें और देखते हैं कुछ बताने वाला है क्या, ठीक है, बस इसमें इतना ही रखते हैं और देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से डिज़र्ट हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया में कुछ डिज़र्ट दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये डिज़र्ट कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये लगा कर, ये वाला जो पार्ट है ये वाला पूरा, ये कौन सा है, क्वीनलैंड से है। ये वाला क्या है, ये वाला जो है न्यू साउथ वेल्स है। जस्ट नीचे, जस्ट नीचे यहाँ पर आएंगे तो ये वाला पार्ट क्या है, और वो है अन विक्टोरिया है, ठीक है। और इधर वाला देखें तो साउथ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो हमें ये सब पार्ट तो पीछे बता चुके हैं, बस ये देखना है कि ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा डिज़र्ट है वो नंबर वन वाला ये है, और यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है, और इसे क्या कहते हैं, ग्रेट विक्टोरिया डिज़र्ट। इसे क्या कहते हैं, ग्रेट विक्टोरिया डिज़र्ट। दूसरे नंबर पर, यहाँ पर दूसरे नंबर पर मैप में दिख रहा होगा, तो ये दूसरे नंबर का जो है वो ग्रेट सैंडी डिज़र्ट है। तो आप दो तीन याद कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा याद कर लीजिए, अगर पांच तक याद कर लेते हैं तब भी ठीक है, पीसीएस वगैरह में हो सकता है कि मैच कराने के लिए दे दे, असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए दे दे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो वैसे तीन याद जितना हो सके याद कर लें आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पर वन हो गया, ये वन वाला पार्ट हो गया, इसको क्या कहते हैं, ग्रेट विक्टोरिया डिज़र्ट। सेकेंड वाला जो है उसे क्या कहते हैं, ग्रेट सैंडी डिज़र्ट। थर्ड वाले को क्या कहते हैं, तमानी डिज़र्ट, तमानी तमान सॉरी तनामी डिज़र्ट। उसके बाद से सिम्पसन, फोर्थ वाले को क्या कहते हैं, सिम्पसन डिज़र्ट। फोर्थ वाले को सिम्पसन डिज़र्ट, ठीक है। और फिफ्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिब्सन डिज़र्ट। तो फिफ्थ ये वाला फिफ्थ है, गिब्सन डिज़र्ट, ठीक है। ऐसे ही तो आप लोग बस इसमें इतना काफ़ी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायना पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? एक डायना पुरस्कार है जो कि किसके किसके याद में दिया जाता है, तो डायना महारानी, वेल्स की महारानी, वेल्स की राजकुमारी डायना के याद में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार 2020 में ये पुरस्कार किसे दिया गया? तो एक है इसमें, कौन है ये, है फ्रिया ठकराल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रिया ठकराल। तो फ्रिया ठकराल को यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली की एक 13 वर्षीय स्कूली छात्रा फ्रिया ठकराल को 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया, जो वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर युवाओं के मानवीय प्रयासों के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। फ्रिया ठकराल को यह पुरस्कार ऐप विकसित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। यह वेब आधारित मोबाइल एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को अपशिष्ट संचालकों से जोड़ने का काम करता है। मतलब उन्होंने एक ऐप डिज़ाइन किया है, एक ऐप बनाया है, जो ऐप का काम क्या होता है, तो ये अपशिष्ट पदार्थ जो भी यानी वो होता है कचड़े वगैरह होता है, उन सबको जो उसके संचालक होते हैं, उसे ले जाने वाले होते हैं, उनसे जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। डायना पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1999 में तत्कालीन चांसलर गार्डन ब्राउन, तत्कालीन चांसलर गार्डन ब्राउन की अध्यक्षता वाले एक बोर्ड द्वारा की गई थी, जिसके अनुसार यह पुरस्कार युवा लोगों के उत्कृष्ट उपलब्धियों के समर्थन में वेल्स की राजकुमारी डायना की व्यक्तिगत रुचि को दर्शाता है। और ये पुरस्कार कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है, 9 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं को, उनके सामाजिक कोई भी वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर हो या तो ह्यूमन से रिलेटेड वेलफेयर हो, के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार राजकुमारी डायना के दो बेटों प्रिंस विलियम, राजकुमारी के दो बेटे कौन थे, तो पहला थे प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी के द्वारा समर्थित डायना अवार्ड चैरिटी द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें हो गया, बस इसमें और देखते हैं डायना पुरस्कार, वो यानी इनके बारे में थोड़ा सा इनका फोटो देख लेते हैं। डायना ने जो मिला जिस लड़की को, तो ये है डायना, ये इनको, ये इनका नाम, सॉरी डायना नहीं है, ये फ्रिया ठकराल हैं जिनको डायना पुरस्कार 2020 मिला है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा हम कुछ इसमें क्वेश्चन बोल लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छा चलिए, वो जो ऑप्शन में आया था उन चारों ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो एक है मरियप्पा, ये जो मरियप्पा है ये है कौन, तो मरियप्पा को पैरा एथलीट में अभी हाल में ही पैरा एथलीट में कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न मिला है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न इनको मिला है, किसको, मरियप्पा को। ठीक है, टूटा ये, और उसके बाद से ये रानी है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये हॉकी से रिलेटेड है, इनको भी खेल रत्न मिला है। और उसके बाद से मोनिका बत्रा, फोर्थ ऑप्शन है मोनिका बत्रा, इनको भी खेल रत्न मिला है, किसमें, टेबल टेनिस में। ठीक, टेबल टेनिस में, ओके। और खेल रत्न जो है, चलिए ठीक है, और नेक्स्ट आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, और देख लेते हैं कुछ बताने वाला है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, वेल्स क्या है। तो वेल्स जो है, वेल्स, हाँ ये दिख रहा होगा, वेल्स दिख रहा होगा आपको, वेल्स कहाँ है उसका लोकेशन देखा जाते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम का ये एक पार्ट है। यूनाइटेड किंगडम क्या होता है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मिलाकर, यानी इंग्लैंड और ये स्कॉटलैंड, इधर इंग्लैंड है, ये साउथ में स्कॉटलैंड है, और इधर ये वाला पार्ट, ये सब मिलाकर, ये पूरा मिलाकर क्या आता है, आयरलैंड का ये थोड़ा सा पार्ट है, ये जब पूरा मिलाते हैं तब वो यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट कौन सा है, स्कॉटलैंड है। ठीक है, और भी और कौन है, सॉरी ये वेल्स है और यूनाइटेड किंगडम का पार्ट ये स्कॉटलैंड भी है, इसको भी दिखा देते हैं स्कॉटलैंड का जो बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है, तो ये स्कॉटलैंड है। ठीक है, और ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, सॉरी साउथ बोल दिए थे, लेकिन ये नॉर्थ में है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है कभी कभी बोलने में दिक्कत हो जाती हो, गलती से कुछ गलत निकल जाए तो उस पर ध्यान ना दीजिएगा। ये नॉर्थ वाला जो पार्ट है ये क्या है, स्कॉटलैंड है, साउथ वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, इंग्लैंड है। ठीक है, तो इंग्लैंड का कैपिटल लंदन, ये तो आपको पता ही होगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच से एक चैनल गया है
जिसको इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये वाला इंग्लिश चैनल है, और यहाँ से जो ये है इसका ये वाला क्या है, इसको डेवी, इसको क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ डोवर, ठीक है, इसको डोवर यानी डोवर चैनल के नाम से, ये डोवर स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने को मिला होगा, पहला चीज़ क्या मिला होगा कि एक तो देखिए इंग्लिश चैनल कौन है, इंग्लिश चैनल तो स्टेट ऑफ डोवर और इंग्लिश, तो ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है, और ये वाला इंग्लिश चैनल है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है वाला ये स्टेट ऑफ डोवर यानी डोवर स्टेट ऑफ डोवर है, ठीक है। और इसमें और कुछ बताने वाला है, बेल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए ठीक है, बस इसमें इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धम्म चक्र दिवस कब मनाया जाता है, धम्म चक्र दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा धम्म चक्र दिवस का आंसर क्या हो जाएगा, ये मनाया जाता है 4 जुलाई को, ठीक है, धम्म चक्र दिवस कब मनाया जाता है, 4 जुलाई को, ठीक है। तो अब इसमें 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 26 जुलाई, एंड फोर्थ है 28 जुलाई। तो इन सब दिन में कुछ ना कुछ तो मनाया, इस ऑप्शन यहाँ पर ऐसे रखे गए हैं कि ये सभी दिन कुछ ना कुछ मनाया जाता है, ठीक है। तो 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। अच्छा, इस समय डॉक्टर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा है कोविड-19 को लेकर, क्योंकि वो डायरेक्ट फ्रंट में, यानी जो भी कोविड-19 पेशेंट हैं उनकी, वो डायरेक्ट फ्रंट में ही उन्हें काम करना पड़ता है, तो इसलिए इस समय डॉक्टर्स के लिए मतलब एक तरह से देखें तो बहुत ही वो रिस्पेक्ट वाला काम कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 1 जुलाई को मैंने ऑप्शन रखा है कि ये जो है 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, और इसमें कारगिल में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय के सफल होने के याद, ऑपरेशन सफल होने के याद में, कौन सा ऑपरेशन, विजय ऑपरेशन सफल होने के याद में ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में और कुछ है क्या, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के साथ मिलकर आगामी आषाढ़ पूर्णिमा यानी 4 जुलाई को धम्म चक्र दिवस मनाएगा, ठीक है, यानी मनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आषाढ़ पूर्णिमा का यह पावन दिवस भारतीय सूर्य कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने की पहली पूर्णिमा को होता है, जो श्रीलंका में एसाला पोया, श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है, श्रीलंका में ये एसाला पोया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एसाला पोया के नाम से, और थाईलैंड में ये असाना बुचा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, थाईलैंड में किसके नाम से जाना जाता है, असाना बुचा के नाम से। यह भाषा भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्त करने के बाद वाराणसी के उत्तर प्रदेश में के निकट सारनाथ ऋषिपत्तन के हिरण उद्यान में आषाढ़ महीने की पहली पूर्णिमा को पहले 5 तपस्वी शिष्यों यानी उन्हें क्या कहते हैं, तो पंचवर्गिका को उपदेश दिए जाने को चिन्हित करता है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसमें मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची यानी लार्जेस्ट टेंपल ऑफ भगवान बुद्ध का बता दीजिए कौन सा है, तो चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ कौन सा है, तो ये है भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची टेंपल, क्या है, स्प्रिंग टेंपल, जो कि 128 मीटर, ये पहले दुनिया की सबसे ऊंची थी, लेकिन जब से स्टैचू ऑफ यूनिटी बना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब स्टैचू बनी है, तो उसके बाद से ये हो गया है सेकेंड नंबर पर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें और कुछ है बताने वाला, हाँ थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये हो गया। अच्छा चलिए, ऑस्ट्रेलिया से एक रिलेटेड एक पॉइंट छूट गया था, जब ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड थोड़ा सा कुछ पॉइंट बता देते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसको आपको बताना है, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन दिख रहा होगा आपको,
ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, और ये डॉटेड लाइन क्या है, इसे इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, इक्वेटर कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये डॉटेड लाइन जो है कितने देशों से पास करता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट में बताना है, इक्वेटर कितने देशों से पास करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये कितने वाटर बॉडीज से, यानी कितने महासागर से पास करता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें ये है कि ये कितने कॉन्टिनेंट से पास करता है। तो तीन क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, जो कि कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ओके।